प्रभात, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश और समस्त भारत की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं पूरी। कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही है। कुशीनगर के 131 विधानसभा तमकुही राज में बसपा का एक दिवसीय कैडर कैंप 26/12/2022 को संपन्न हुआ। आपको बताते चले, बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में एक दिवसीय कैडर कैंप का आयोजन। इसी क्रम में कुशीनगर के 131 विधानसभा तमकुही राज में बसपा का एक दिवसीय कैडर सफलतापूर्वक किया गया और कैडर कैंप में सफल संकल्प लिया गया कि 2022 में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। मेरे शोषित, पीड़ित और दलित भाई और बहनों, जागो और काम पर लग जाओ। बहुजन समाज पार्टी का एक दिवसीय कैडर कैंप स्थान बस डीला बुजुर्ग रविदास नगर में संपन्न हुआ। तमकुही राज विधानसभा के अध्यक्ष जितेंद्र भारती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि रामनाथ चौहान रहे। 2022 में बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। सभी कार्यकर्ता अभी से पार्टी के हित में लग जाएं। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। जब तक बूथ मजबूत नहीं होगा तब तक चुनाव नहीं जीता जा सकता, उन्होंने बताया। विशिष्ट अतिथि अमरजीत प्रसाद सेक्टर प्रभारी गोरखपुर ने लोगों को संबोधन में कहा कि बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में होती है तो कानून का राज स्थापित होता है। किसी गरीब को कोई अधिकारी कर्मचारी दबंग किस्म का व्यक्ति नहीं सताता है। अपराधी प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्य में भाग जाता है। गरीबों की बात सुनी जाती है। आपको बताते चले, बसपा के वरिष्ठ नेता अमरजीत भारती ने कहा कि जब बसपा की सरकार होती है तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर कार्य होता है। सभी लोग अमन चैन से रहते हैं। आपसी मेल मिलाप शांत वातावरण पूरे प्रदेश में होता था। आज भाजपा की सरकार में अराजकता, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। आपको बताते चले, जिस भी प्रत्याशी को बहन जी का आशीर्वाद मिलता है उस प्रत्याशी को हमें जिताना है। गांव, गली, मोहल्ला में जाकर पार्टी की नीतियों को बताना है और बहन जी को यूपी का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। कैडर कैंप में विधानसभा तमकुही राज के भारी संख्या में बसपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बसपा के वरिष्ठ नेता विक्रम भारती, सिद्धिनाथ तिवारी, विनय कुमार गुप्ता, रामेश्वर प्रसाद, छेदी भारती, बीवीएफ राजमंगल प्रसाद, लल्लन प्रसाद, हरिलाल प्रसाद, रामदेव प्रसाद, अच्छे लाल, नत्थू प्रसाद, हीरा लाल, कैलाश निगम, दिनेश निगम, भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शुभचिंतक रहे उपस्थित। आइए आपको दिखाते कैडर कैंप की झलकी। ब्यूरो रिपोर्ट, जितेंद्र भारती, कुशीनगर। भाई ओम प्रकाश भारती जी, सम्मानित सेक्टर अध्यक्ष है, मेरा बारी आपसे भी निवेदन, आप भी आवे और बाबा साहब मानो छत्रिया भाई, धर्मेंद्र बाबू, डॉक्टर अच्छेलाल भारती साहब डॉक्टर और आपके साथ ठाकुर साहब, हमारे शिव ठाकुर साहब, भाई गोविंद बाबू, अजय बाबू, शंभू, हमारे शंभू बाबू हैं, हमारे अनुज शंभू भारती जी, आप भी आवे, बाबा साहब मानो साहब की तरफ कुछ बातचीत करें। भाई छेदी भाई, हम सभी के बीच में उपस्थित हैं, सम्मानित कोटदार भाई चल के आए हुए हैं डुमाट से, भाई मंगल साहब को, मंगलू साहब को मैं आपको भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी आप बाबा साहब मानो साहब की तरफ करें, आप सबके बीच भाई विनोद भारती जी, भाई विनोद भारती, डबल विनोद भारती जी हैं, चश्मा में आपसे भी कह रहा हूँ, आपके साथ में चल के आए हुए हैं, हमारे विक्रम चाचा जी के नाती जो है, आप भी आवे, और रामदेव भारती साहब, भागवत भाई, रामायण भाई, भारती जी, आप तीनों नौजवान साथी को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। जैन नरेंद्र के सम्मानित सेक्टर अध्यक्ष बड़े भाई भागवत प्रसाद जी, दाढ़ी बाबू आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, और
हम निवेदन करना चाहेंगे जो आज के मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित हैं, हम सभी के गार्जियन अभिभावक परम श्रद्धेय आदरणीय अमरजीत प्रसाद साहब, परम श्रद्धेय आदरणीय रामनाथ भारती साहब, परम श्रद्धेय आदरणीय अमरजीत भारती साहब, परम श्रद्धेय आदरणीय जितेंद्र भारती साहब, परम श्रद्धेय आदरणीय रामनाथ भारती साहब, परम श्रद्धेय आदरणीय विक्रम भारती साहब, परम श्रद्धेय आदरणीय सिद्धनाथ तिवारी जी को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आज की कार्यक्रम जिनकी अध्यक्षता में चल रही है, इस विधानसभा के सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष नौजवान साथी परम श्रद्धा आदरणीय जितेंद्र भारती जी को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हम सभी के बीच में उपस्थित हैं पुराने साथी, हम सभी के गार्जियन के रूप में हम गार्जियन ही उनको मानते हैं, अभिभावक के रूप में उनको मानते हैं। और इस बहुजन समाज पार्टी में बूथ से लेकर सेक्टर विधानसभा स्तर तक इनको अवसर मिला है और बहुजन समाज पार्टी के मिशन के गायक बहुत बढ़िया राग देते हैं। मैं आदरणीय श्री विक्रम भारती साहब को आपको भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। उपस्थित हैं ब्राह्मण समाज के गौरव परम श्रद्धेय आदरणीय सिद्धनाथ तिवारी जी को जो मठिया श्री राम से हैं आपके बीच में उपस्थित है, आप साहब से निवेदन करेंगे आप को भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। उपस्थित हैं इस सेक्टर में सेक्टर अध्यक्ष बूथ से लेकर सेक्टर अध्यक्ष प्रभारी और विधानसभा को भी संचालित किए हैं, अपने समाज को उनके सुपुत्र परम श्रद्धेय आदरणीय विनय कुमार गुप्ता जी को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं भाई, हम लोग के बीच में उपस्थित हैं मीडिया से जुड़े हुए हमारे अनुज परम श्रद्धेय आदरणीय जितेंद्र भारती जी को हार्दिक अभिनंदन।